नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंट प्रोविजंस ऑफ पार्टनरशिप एक्ट 1932। सबसे पहले मैं बात करूंगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। देखिए दोस्त, पहले एक एग्जांपल लेते हैं। मैं कहता हूं ये है एक पार्टनरशिप बिजनेस, और मैं कहता हूं ये दो लोग इस पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स हैं और इनका नाम है मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मैं कहता हूं मिस्टर ए ने 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए बिजनेस के अंदर और मिस्टर बी ने भी 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए, और ये दोनों ही इक्वल टाइम देते हैं बिजनेस को। तो इन लोगों ने बिजनेस के अंदर कैपिटल को इन्वेस्ट किया, तो बिजनेस इनका कितने का है? 20 लाख रुपीस का। बिजनेस के अंदर टोटल कैपिटल कितने इन्वेस्ट है? 20 लाख रुपीस। अब भाई, जो लोग बिजनेस के अंदर कैपिटल डालते हैं, पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसको क्या बोला जाता है? ओनर। ये बिजनेस के ओनर हैं। तो बिजनेस जो भी प्रॉफिट कमाएगा वो इन लोगों में क्या करेगा? डिस्ट्रीब्यूट करेगा। भाई प्रॉफिट को तो ओनर्स में ही डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा ना, लेकिन इस बिजनेस के कितने मालिक हैं? दो मालिक हैं, जिनको हम बोलते हैं पार्टनर्स, और उनके नाम क्या है? ए एंड बी। अब प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कैसे करेगा बिजनेस इनके बीच में, तो आइए देखते हैं। मैं कहता हूं अगर पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड बनाते समय पहले से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड कर ली थी, पहले से प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड कर ली थी, जैसे एग्जांपल मैं कहता हूं जी, या तो इन्होंने 1:1 डिसाइड कर ली, या फिर 3:2 डिसाइड कर ली, या फिर 5:3 डिसाइड कर ली, कुछ भी डिसाइड अगर इन्होंने कर लिया, तो आप प्रॉफिट को जो रेशो इनके बीच में पहले से डिसाइडेड थी पार्टनरशिप डीड के अंदर, उसी रेशो में आप क्या करेंगे? प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो आप प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अप्लाई कर देंगे जो इनकी पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन है। मैं कहता हूं अगर इन लोगों ने पार्टनरशिप डीड बनाते समय प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को डिसाइड नहीं किया, मतलब इनकी पार्टनरशिप डीड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो को लेकर साइलेंट थी, कुछ भी डिसाइड इन्होंने नहीं किया, तो ऐसे केस में इनको लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है प्रॉफिट को लेकर बात में, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा ऐसे केस में। और पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहता है कि अगर आपने पहले से डिसाइड नहीं किया कि आप प्रॉफिट को किस तरीके से बांटेंगे आपस में, तो हम आपको बताएंगे आप प्रॉफिट को इक्वल बांट लेना, मतलब 1:1 में बांट लेना। तो दोस्त, अगर आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मेंशन है, तो आप उसी रेशो में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देना पार्टनर्स में। लेकिन अगर आपके पास क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशो गिवन नहीं है, तो इसका मतलब आप कौन सी रेशो में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 1:1 में। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या, पहले समझ लेते हैं। मैं कहता हूं ये बिजनेस पार्टनरशिप बिजनेस है और दो लोग इसके मालिक हैं, मिस्टर ए एंड मिस्टर बी। मैं कहता हूं मिस्टर ए ने 10 लाख रुपीस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किए और मिस्टर बी ने 7 लाख रुपीस बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट किए, तो इन्होंने बिजनेस के अंदर जो कैपिटल इन्वेस्ट की वो कितनी इन्वेस्ट की? 17 लाख। और मैं कहता हूं ये बिजनेस को इक्वल टाइम देते हैं, बराबर का काम करते हैं बिजनेस में,
और इन्होंने अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो डिसाइड कर रखी है 1:1 के बिजनेस के अंदर जितने भी प्रॉफिट्स होंगे वो आपस में ये 1:1 में डिवाइड करेंगे, इक्वल डिवाइड कर लेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखें जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, यहां पर ए ने 10 लाख की कैपिटल लगाई, बी ने 7 लाख की कैपिटल लगाई, प्रॉफिट इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और इक्वल टाइम देते हैं। तो आप देख सकते हैं यहां पर किस आदमी को नुकसान हो रहा है, किस पार्टनर को नुकसान हो रहा है। इस आदमी ने कितने पैसे ज्यादा लगा रखे हैं बी के मुकाबले, 3 लाख। 3 लाख रुपए इसने ज्यादा इन्वेस्ट कर रखे हैं और प्रॉफिट तब भी इनके बीच में इक्वल बांटा जाता है और टाइम भी ये इक्वल देते हैं। तो क्या आने वाले टाइम में इनके बीच में डिस्प्यूट आ सकता है प्रॉफिट को लेके? यस, पक्का। आज नहीं तो कल जरूर आएगा इनके बीच में डिस्प्यूट। ए कभी ना कभी तो बोल ही देगा, मैंने तो 3 लाख रुपए बिजनेस के अंदर ज्यादा लगा रखे हैं और मुझे प्रॉफिट फिर भी उतना ही मिलता है जितना आप उठाते हैं। तो ऐसे केस में इनके बीच में डिस्प्यूट ना हो तो ये अपनी पार्टनरशिप डीड के अंदर एक क्लोज डालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का। तो लो जी दोस्त, अगर इन्होंने पार्टनरशिप डीड बनाते समय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का क्लोज डाल दिया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट डिसाइड कर लिया था, एग्जांपल 6% पर एनम, 7% पर एनम या 9% पर एनम, इन्होंने कुछ भी डिसाइड कर लिया था कि हम बिजनेस के अंदर जो भी कैपिटल लगाएंगे उससे बदले में क्या लेंगे, बिजनेस से इंटरेस्ट लेंगे। अगर इन्होंने पहले से डिसाइड ऐसा कर रखा है तब बिजनेस इनको क्या करेगा, इंटरेस्ट अलाउ कर देगा। लेकिन कब? ध्यान से देखिए, ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, जब बिजनेस को क्या होगा, प्रॉफिट होगा, सिर्फ बिजनेस तभी अलाउ करेगा। सर लॉस की सिचुएशन में क्यों नहीं? क्योंकि बेटा ये बिजनेस के मालिक हैं। अगर इनके बिजनेस में लॉसेस चल रहे हैं और ये बिजनेस से तब भी इंटरेस्ट निकाल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ले रहे हैं, तो आने वाले टाइम में क्या हो जाएगा, बिजनेस के लॉसेस और बढ़ जाएंगे और बिजनेस बंद हो जाएगा। तो ये ऐसा क्लोज नहीं डालते, ये सिर्फ बिजनेस से अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सिर्फ और सिर्फ तभी उठाते हैं जब बिजनेस को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है तो आप पार्टनर्स को उनके कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ कीजिए, लेकिन इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो इसका मतलब अगर आप इसको प्रॉफिट की सिचुएशन में ही अलाउ कर रहे हैं तो इसका मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, एप्रोप्रिएशन है यहां पर, क्योंकि ये कंपल्सरी पेबल नहीं है। लॉस की सिचुएशन में आप इसको पे नहीं करेंगे और एप्रोप्रिएशन कहां पर जाती है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो याद रखिए दोस्त, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां की आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की आइटम है। इसके अलावा मैं बात करता हूं, अगर पार्टनरशिप डीड में इन लोगों ने डिसाइड नहीं किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट, कोई भी डिसाइड नहीं था पहले से, मतलब इसका क्लोज ही नहीं डाला, और मैं कहता हूं बाद में ये कहता है मैंने तो 3 लाख रुपए ज्यादा लगाए हैं तो मुझे ज्यादा फायदा मिलना चाहिए, कहते हैं जी मुझे इंटरेस्ट दो, तो क्या बिजनेस इनको इंटरेस्ट अलाउ करेगा अगर इन्होंने पहले से डिसाइड नहीं किया था? पार्टनरशिप एक्ट 1932 कहते हैं जी अगर आपने पहले से डिसाइड नहीं किया अपनी पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, बिजनेस आपको कुछ भी अलाउ नहीं करेगा। तो आपके पास अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट नहीं दे रखा तो आपने नहीं लेना, इग्नोर कर दीजिए जी इस पॉइंट को, ठीक है जी, क्लियर है इतनी बात। अच्छा सुनिए ध्यान से बेटा, अगर इन लोगों ने पार्टनरशिप डीड बनाते समय, मैं कहता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट डिसाइड कर लिया था और साथ में लिख दिया था इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, इसका मतलब क्या, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कहते हैं जी हम, इन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट डिसाइड किया और कहते हैं जी हम इसको चार्ज मानेंगे। चार्ज का मतलब क्या होता है, जो कंपल्सरी पेबल होता है, चाहे बिजनेस को प्रॉफिट हो चाहे ना हो। तो ऐसे केस में आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करेंगे, अलाउ करेंगे वेदर प्रॉफिट्स आर देयर और नॉट। मैंने क्या बोला, अगर इन लोगों ने अपनी पार्टनरशिप डीड के अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट डिसाइड कर लिया और साथ में लिख दिया इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो इसका मतलब ये कंपल्सरी पेबल होगा,
आपको देना ही देना पड़ेगा, बिजनेस इनको अलाउ करेगा ही करेगा, चाहे बिजनेस के अंदर लॉसेस चल रहे हैं चाहे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट चल रहे हैं। बिजनेस इनका है, पार्टनरशिप डीड पार्टनर्स मिलकर बनाते हैं, तो ये कोई भी क्लोज डाल सकते हैं, ठीक है जी, आप समझ रहे हैं। तो इस सिचुएशन में ये कंपलसरी पेबल हो गया जब इसको चार्ज माना गया पार्टनरशिप डीड के अंदर, अगर पार्टनर्स ने इसको चार्ज माना तो ये कंपलसरी पेबल है, तो इसको आप अप्रोप्रिएशन नहीं मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब क्या भाई साहब, ये कंपलसरी पेबल है, आपको नहीं देखना कि बिजनेस के अंदर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो इसका मतलब इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं जाएगा, क्योंकि अब ये एप्रोप्रिएशन नहीं है, क्योंकि ये कंपलसरी पेबल है, चाहे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट चल रहे हैं चाहे लॉसेस चल रहे हैं, ठीक है जी दोस्त। तो ध्यान से सुनना, अगर आपके पास क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट दे रखा है तो आप अलाउ कर दीजिए, लेकिन कब, ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, और कहां पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अगर क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट नहीं दे रखा तो आप इग्नोर कर दीजिए, आपको कुछ भी अलाउ नहीं करना। लेकिन अगर क्वेश्चन में दे रखा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का रेट और साथ में लिख रखा है इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो आप अलाउ करेंगे ही करेंगे, चाहे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स चल रहे हैं चाहे लॉसेस चल रहे हैं, तो ये कंपलसरी पेबल है। और इस बार इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां की आइटम बनेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में नहीं लिखेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी जा सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी जा सकता है। आइए दोस्त थर्ड पॉइंट को डिस्कस करते हैं, सैलरी कमीशन। इनको मैं इकट्ठे ही डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि बिल्कुल सेम एप्लीकेशन होगी इन सब में। फीस, लो जी पहले एक एग्जांपल देखिए, मैं कहता हूं ये पार्टनरशिप बिजनेस और मिस्टर ए एंड बी इस बिजनेस में मालिक, मिस्टर ए ने 10 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए, मिस्टर बी ने 10 लाख, प्रॉफिट दोनों इक्वल उठाते हैं, लेकिन टाइम बिजनेस को देता है ए, मैं कहता हूं ए एक्टिव पार्टनर है, सारे का सारा काम संभालता है, लेकिन जो मिस्टर बी है वो स्लीपिंग पार्टनर है, बस उसने बिजनेस के अंदर पैसा इन्वेस्ट किया और प्रॉफिट उठाता है बिजनेस। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि किस आदमी को नुकसान हो रहा है। देखो जी 10-10 लाख रुपए दोनों ने लगाए, प्रॉफिट भी इक्वल उठाते हैं, बराबर का प्रॉफिट उठा लेते हैं, लेकिन सारा दिन काम कौन करता है बिजनेस में, मिस्टर ए, क्योंकि मिस्टर ए एक्टिव पार्टनर है यहां पर, लेकिन बी बिजनेस को टाइम नहीं देता। तो ए को टाइम देने के बावजूद भी, पूरा दिन काम करने के बावजूद भी बी के बराबर का प्रॉफिट मिल रहा है, तो यहां पर नुकसान किसको हो रहा है, मिस्टर ए को यहां पर नुकसान हो रहा है। तो इन फ्यूचर इन लोगों के बीच में क्या आ सकता है, डिस्प्यूट आ सकता है, किस बात को लेके, प्रॉफिट शेयरिंग को लेके। तो इनके बीच में डिस्प्यूट ना आए इस बात को लेके, तो ये एक प्रोविजन डाल लेते हैं पार्टनरशिप डीड में, एक क्लोज डाल लेते हैं कि जो भी आदमी बिजनेस के लिए काम करेगा वर्क करेगा उसके बदले में उसको सैलरी दे दी जाएगी, या फिर कोई एक्स्ट्रा काम करता है बिजनेस के लिए। मैं कहता हूं जी दोनों 10-10 घंटे देते हैं, मतलब इनकी पार्टनरशिप डीड में डिसाइड है कि 10-10 घंटे दोनों को देना जरूरी है, लेकिन इनकी पार्टनरशिप डीड में ऐसा भी डिसाइडेड है अगर कोई 10 घंटे से ज्यादा काम करेगा तो उसको मिल जाएगा क्या बदले में, बोनस मिल जाएगा, या कोई आदमी बिजनेस की सेल बढ़ाने का काम करता है तो उसको बदले में कमीशन मिल जाएगी, या कुछ उसकी फीस डिसाइडेड हो जाती है। तो ये पहले से डिसाइड कर लेते हैं ताकि इन फ्यूचर इनके बीच में डिस्प्यूट ना हो। तो अब आपने आप एप्लीकेशन कैसे करनी है इन चीजों की, मैं कहता हूं जी अगर इन लोगों ने पार्टनरशिप डीड बनाते समय सैलरी या फिर कमीशन या फिर बोनस या फिर फीस ये पहले से डिसाइड कर लिया था तो आप क्या करेंगे, अलाउ करेंगे इनको लोगों को, लेकिन कब, ओनली इन केस ऑफ प्रॉफिट, जब बिजनेस को क्या होगा, प्रॉफिट होगा। क्योंकि अगर बिजनेस के अंदर लॉस चल रहे हैं और उसके बावजूद भी वो बिजनेस से पैसा निकालते हैं तो आने वाले टाइम में बिजनेस बंद हो जाएगा। तो अगर आपके पास क्वेश्चन में दे रखी है सैलरी कमीशन बोनस या फीस तो आप अलाउ कर दीजिए पार्टनर को, लेकिन कब अलाउ करेंगे, जब बिजनेस के अंदर प्रॉफिट चल रहे हैं। तो क्वेश्चन में अगर प्रॉफिट दिया होगा तभी आप अलाउ करना। तो इसका मतलब ये एप्रोप्रिएशन है क्योंकि ये कंपलसरी पेबल नहीं है, ओनली पेबल कब होगा ये, इन केस ऑफ प्रॉफिट। तो इन आइटम्स को आप कहां पर लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में।
इसके अलावा अगर मैं कहता हूँ पार्टनरशिप डीड, सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस, इन चीज़ों को लेकर साइलेंट थी, मतलब वहाँ पर इन्होंने कोई भी क्लोज नहीं डाला था। उसके बाद अगर ए डिमांड करता है मुझे बदले में सैलरी दो क्योंकि मैं बिजनेस में ज़्यादा काम कर रहा हूँ, तो नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि पार्टनरशिप एक्ट 1932 अप्लाई हो जाएगा। पार्टनरशिप बिजनेस के ऊपर कौन सा कानून अप्लाई होता है? पार्टनरशिप एक्ट 1932। वो कहते हैं जी अगर आपने पहले से डिसाइड नहीं किया था तो आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, लड़ने झगड़ने की जरूरत नहीं है जी, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो इसका मतलब जब पार्टनरशिप डीड बनानी है पार्टनर्स ने, तो उनको समझदारी दिखानी चाहिए, उनको ध्यान से सोचना चाहिए इन सब पॉइंट्स के बारे में। इसके अलावा तो यहाँ पर आपको एक बात समझ आई, अगर क्वेश्चन में आपको नहीं दी गई सैलरी, फीस, कमीशन, बोनस, तो आपने कुछ भी नहीं करना चाहिए, इग्नोर कर दो। लेकिन एक पॉइंट और भी कर लीजिए, मैं कहता हूँ जी अगर पार्टनरशिप डीड में डिसाइड हो चुका था सैलरी या कमीशन या फिर फीस या फिर बोनस, पहले से डिसाइड हो गया था मैं कहता हूँ, और साथ में इन्होंने एक लाइन लिख दी अपनी पार्टनरशिप डीड में, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। भाई बिजनेस इनका है, ये कुछ भी लिख सकते हैं अपनी पार्टनरशिप डीड में, कुछ भी एग्रीमेंट कर सकते हैं, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, कि कहते हैं जी हम इसको चार्ज मानेंगे। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, आप अलाउ करेंगे पार्टनर को वेदर प्रॉफिट्स आर देयर और नॉट, चाहे बिजनेस के अंदर प्रॉफिट्स चल रहे हैं या नहीं चल रहे, हमको कुछ भी नहीं देखना, क्योंकि पार्टनर्स ने पहले से ऐसा एग्रीमेंट किया था, इट इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, हम इसको चार्ज मानेंगे, मतलब कंपलसरी बिजनेस पे करेगा ही करेगा इन लोगों को, ये चीजें देगा ही देगा, ठीक है जी। बिजनेस इनका है, इनके बीच में कुछ भी एग्रीमेंट हो सकता है, हम तो अकाउंटेंट है, जिस तरीके से इन्होंने एग्रीमेंट कर रखा है हम उस तरीके से क्या करेंगे, उन चीजों की एप्लीकेशन करेंगे। तो यहां पर अगर ये कंपलसरी पेबल है तो ऐसे केस में इसको आप एप्रोप्रिएशन नहीं मानेंगे, इसको क्या मानेंगे, चार्ज मानेंगे। और अगर आपने इसको चार्ज माना तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में। तो सैलरी, कमीशन, बोनस, फीस, ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में भी आ सकती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी आ सकती है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कब आएगी, अगर ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, और अगर पार्टनरशिप डीड में कुछ भी नहीं लिखा था कि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होगा या नहीं होगा, तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, ओनली तभी अलाउ करेंगे जब बिजनेस के पास क्या होंगे, प्रॉफिट्स होंगे। तो ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की आइटम बन जाएगी।